अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप सब लोग कैसे हैं? मेरा नाम जैन है, इस किताब में YouTube चैनल जैन ने व्लॉग देख रहे हैं। आज क्या व्लॉग करते हैं जी शुरू। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। कल जो मेरे साथ हुई ना, हमारे जो है ना ऑस्ट्रेलिया तोते, उन्होंने ना दिए बच्चे, ठीक है। एक के पास तीन बच्चे हैं, उसकी बहुत अच्छे तरीके से केयर करने लगी हुई है तोती। एक के पास दो बच्चे हैं, और जिसके पास दो बच्चे थे उसके बच्चे भी समझ थोड़े थे। उसने एक बच्चा मार दिया रात का, दूसरे बच्चे को मैंने कल रात का रेस्क्यू कर लिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं उसको वो दिखाता हूँ आपको। इतना खराब हो गया, उसने मार दिया, इतना दुख आ रहा, वाइट कलर का रेड आई है ये जी। अब उसके लिए हमने ना सुबह जाके एक इंजेक्शन लाए थे, तो वो देखो भी जिंदा है। छिपची ओ चीची, इसको तकरीबन एक घंटे के बाद मैं ना खाना छाना खिलाने लगा हूँ। इसको ऐसे रखा हुआ था कि कोई बचा रहे। तो इसके लिए ना मैं सुबह जा के लाया था फीड, हाँ बेबी फीड शायद समझ लो जो भी है। हाँ ये लाया था, 800 रुपीज़ का आया था। मैं क्या इन्ने दा तोता नहीं है जितने दी हम लोग फीड ले आए हैं इसके खाने का। तो यार समझ नहीं आई मेरी तोती का मसला क्या बन गया। वो जिस तरह की वैक्सीन नहीं हो जाती, उसकी सारी चेस्ट ब्लड से भरी हुई थी, तो नाक से भी पता नहीं क्या सिस्टम, समझ नहीं कोई आई है कि तोती को हो गया क्या है। जो का मैं लाइट जला कर आपको दिखाता हूँ। ये नज़र आई है जो अंदर भागी है, ये तोती है और इसके वो बच्चे थे। तो उसने मार दे मारा एक बच्चा, तो उसने मार दिया है, तो दूसरा हमने बचा लिया। बाकी इसके अंदर है तीन बच्चे, तो वो वाइट में है। तो बाकी ये फैमिली, बाकी ये जो है ये तो है अल्लाह के फजल करम से बाकी सारे तोते ठीक है। ये भी हैं अपने, तो अभी तक ये ब्रीडिंग के तक नहीं पहुँचे हैं। एक माह और लगेगा तो फिर इनको भी हम लोग बॉक्स लगा के देंगे ब्रीडिंग शीडिंग के लिए। तो बाकी ये वाले जो मेरे परिंदे हैं, इनको भी वैसे ही अभी हमने छोड़ दिया हुआ है। वैसे इनके लगाए हुए हैं, डिब्बे शिब्बे रखे हुए हैं, अभी मेरे हाथ से छोटे हैं इसलिए ब्रीड नहीं किया। ये कॉकटेल उन्होंने तो वैसे ही कचरा शचरा डाला हुआ है ना नीचे। बाकी सब कुछ ठीक है, पर मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आई मेरी तोती को वहा क्या आया। अगर चाहे उसने मारने होते तो उसने छोटे छोटे ही मार देने थे तो तीन बच्चे, मगर उसने देखो कितना बड़ा कर दिया हुआ है। मैक्सिमम ये 15 से 15 दिन का है, इसके ऊपर हल्के हल्के बाल आ गए हैं, पर उसने तो उसको मार दिया। इतना छोटा सा बच्चा था, इसने मार दिया, इतना दुख हुआ ना मुझे। मेरे दोस्त को भी पता है, उसको मैंने बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा इस पर गुस्सा आ रहा था। तो अब ये लुहान हुई हुई थी, हम तो समझ बाहर थी, इसका दिमाग खराब हो गया इसका। तो खैर बाकी तो अभी तक तो ठीक हो गया काम। तो आज जो है ना गर्मी जो है ना वो बहुत ही कम है, आज को नहीं आ ज़्यादा गर्मी, धूप शूप ऐसे कड़क है आज, मगर गर्मी नहीं आया। इतना मज़े का मौसम मैं ना आज बना हुआ, साथ में हवा चल रही है हल्की हल्की। हमारे ना पूरे घर के ना जो एरिया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, यानी कि जितने भी यहाँ पे घर वगैरह बन रहे हैं ना न्यू, ये हमारे सामने ये घर बनने लगा हुआ है, ये घर को पेंट शेंट होने लगा हुआ है, इस तरफ ये घर है, इधर वो मार्बल चल रही है, यानी कि सारे मोहल्ले के अंदर ही कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो पूरा दिन ही हमारा तो घर में शोर ही नहीं ख़त्म होता है, वो मार्बल काटते रहते हैं ना, चीं की तो आवाज़ हमारे घर के यहाँ से तो ख़त्म होती नहीं है। तो सेम ये इन्हीं डेज़ के अंदर हमारे घर का मार्बल लगा हुआ है पिछले साल। तो हमारे घर में जब लगाता था तो सर दर्द होने लग पड़ता था, सर तो फटने तक आ जाता होता था, हमें तो समझ नहीं चाहते थे होता क्या रहता था। अभी जी मैं और मेरा छोटा भाई बिलाल जा रहे हैं अपने गांव, क्योंकि हमारा दर्जी जो है ना वो कपड़े नहीं हमारे दे रहा, तभी हम लोग जा रहे हैं अपने कपड़े शपड़े लेने। अभी हम लोग जा रहे थे रस्ते में, तो रस्ते में आ गया पट्टी दानों वाली, तो मेरा छोटा भाई कह रहा है चने ले ले है ना जी। ये देख सकते हैं आप पट्टी, यहाँ पे चने शने पुजे जाते हैं एंड पुने जाते हैं है ना गाइस। अभी हम लोग आए थे कपड़े लेने के लिए, और आगे हमारे चाचू ने ना पूरी मशीन खोल कर रखी हुई है, कपड़े सारे ये कटे हुए पड़े हैं। उनका कहना ये है कि किस दिन आए हम लेने। ओ भाई जिस दिन मर्जी आओ, अरे ना यार समझाना नहीं यार, और जिस दिन मर्जी आ जाओ, क्या लेने आ जाओ, कपड़े लेने आने हैं हमने तो, खाना खाने खाना खा लेंगे तो ले जी। ये जी हम चाचू ने साहब को क्या कह रहे पोस्टमार्टम किया हुआ उसका मशीन का, तो कह रहे हैं मुझे एक दो दिन लगना है तो इसको रिपेयर करना है, तो उसके बाद फिर
तो फिर उसके बाद मिलेंगे। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं वापसी, तो अभी चलते हैं अपनी हवेली, उधर देखते हैं क्या माहौल शोल है, क्या शबाद लगे हुए हैं इसको। चलें बिलाल भाई, कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन और वेट कर लें, आपके कपड़े जो है ना परेशान करके रखेगा। ये देखे ना सर, आपने अब लेट कर दिया, तो अब हमारा हक बनता है अपनी आवाज़ उठाएं। बिजली का बिल भी उठाओ, बिल तो सन थोड़ा ही सन तो थोड़ा ही होता। चलिए बिलाल, बिलाल साहब बोल इंदर इतने, तो अब जा रहे हैं हम लोग अपनी हवेली।